So hello G and morning to all, and morning from Leh. So guys, आज का जो vlog है वो होगा हमारा Leh to मेरा Pangong Lake से थोड़ा सा आगे. So guys, okay, हमने सारा अपना लगेज नीचे बांध दिया है and final मैं आपको दिखाता हूँ. ये आप देखिए, इंशाल्लाह लगे हुए अपनी सेटिंग करने में, सब कुछ बांधने में, लगेज मेरे उसमें लगेज हो गया. हम लोग ये कर रहे हैं, कुछ लगेज यहाँ रख रहे हैं. मेरी बाइक में बैग होगा और विशालदा की बाइक में बैग होगा. ये सामान हमारा इधर ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा लगेज ले जाना नहीं है और हमें वापस यहीं आना है, तो हम लोग लगेज रख रहे हैं यहीं पे. बाइक्स हो गई हैं, सब कुछ रेडी. ओके, सो आज हमारे साथ दो भाई लोग और हैं, राइडर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम इंदौर, राइट? यस. अपने नाम? मैं अक्षय सिंह. अर्जुन रामपाल. हम लोग हो रहे हैं रेडी, निकलते हैं अब यहाँ से टूवर्ड्स मेरक पेंगोंग लेक होते. ओके जी, ये हम लोग चल दिए हैं टूवर्ड्स पेंगोंग, और या बोल सकते हैं टूवर्ड्स मेरक वाया चांगला एंड पेंगोंग लेक. सो गाइस, आज है मौसम ख़राब, आप देख सकते हैं ठंड काफ़ी होगी हाई अल्टी पासिस में. और दो हमारे साथ राइडर जुड़े हैं जो कि हैं इंदौर से. काफ़ी परेशानी हुई इन भाइयों को पदुम में. इनका था सिंगेला लिंकशेड सिंगेला सिरसिला करते हुए अपना लेह पहुंचने का, बट ये वहां से वापस आना पड़ा. रीज़न ये था कि इनकी जो बाइक थी हिमालयन उसमें दिक्कत आ गई थी. सो एनीवेज, बढ़ते हैं अब आगे को, आगे का सफ़र करते हैं, इन्जॉय. सो जो ये गोल चौक है जहाँ से एक रास्ता श्रीनगर को, एक जाता है मनाली को, उसी के बगल में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है. कोशिश करिएगा आप लोग इसी पेट्रोल पंप से फ्यूल अपना फिल करें. रीज़न ये कि मैंने लोकलाइट से पता करा था तो सब लोग यहीं से डलाते हैं क्योंकि यहाँ का फ्यूल अच्छा है, साफ़ है, कोई मिक्स नहीं है. कारोबारों में भी है बट थोड़ा सा वहाँ पे मिक्सअप रहता है पेट्रोल पंप का. फिलहाल लग जाओ लाइन में. फाइनली फ्यूल भी फुल है और आपका हवा भी फुल है. सो पीयूष, ऑल सेट? ऑल सेट टू गो. सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं. टाइम काफ़ी हो चुका है, 11 बज गए हैं और 11 बजे हम लोग निकल रहे हैं लेह से, और आज पहुंचना है जैसे तैसे मेरक. तो पेंगोंग से हार्डली 15-20 किलोमीटर आगे है मेरक, और ये है व्यू मनाली से हार्डली 4-5 किलोमीटर्स आगे निकलने के बाद. आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको देख सकते हैं रेस्टोक पैलेस, आप देख सकते हैं, एंड वो वाला एरिया है कारू का, चुमांगतांग और ये चुकलमसर, और आपका थिक से एक से का भी कुछ पार्ट दिखता है. सो फाइनली यहाँ से जो कारू की डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर्स है, तो 30 किलोमीटर्स के बाद दो रास्ते कटते हैं. एक कटता है उपशी को टूवर्ड्स राइट और एक कटता है टूवर्ड्स पेंगोंग. तो गोल चक्कर से हम लोग हो जाएंगे ऊपर, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि जाता है पेंगोंग और आपका चुसुल हानले. और ये है शे पैलेस, काफ़ी ब्यूटीफुल है. अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार इसको विज़िट करना ज़रूर बनता है. और यहाँ से आप 4-5 किलोमीटर पर आएगा थिकसे मॉनेस्ट्री. थिकसे मॉनेस्ट्री अगर आपको नहीं पता है तो ये जो लाशा में जो मॉनेस्ट्री, सॉरी तिब्बत में जो मॉनेस्ट्री है लाशा, ये उसकी रेप्लिका है. सो अगर आपने तिब्बत में कभी देखा होगा, पोस्टर्स देखे होंगे लाशा मॉनेस्ट्री, तो ये जो थिकसे मॉनेस्ट्री है उसी की रेप्लिका है. तो अभी दिखाने का टाइम तो नहीं है, बट कभी आप जाएं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें. फ़िलहाल हम लोग हैं थिकसे मॉनेस्ट्री में. ये इसका गेट है, अगर आप ये देखेंगे तो ये है मॉनेस्ट्री. और फ़िलहाल हमें जाना आगे को टूवर्ड्स कारू.
तो गाइस इस वक्त हम लोग कारू में हैं और यहाँ पे होंगे हमारे परमिट चेक और एंट्रीज अलग से हमें करानी पड़ेगी। थैंक यू। ओके गाइस, तो यहाँ से वक्त आ चुका है निकलने का, तो ये चल दिए हम फिलहाल। अभी जो नेक्स्ट जगह आएगी वो आएगी शक्ति, शक्ति के बाद है ना हम अपना चढ़ाई जो है वो स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स चांगला, दैट इज़ थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और वहाँ से फिर हम लोग ढलान होगी टिल डिबरिंग। डिबरिंग के बाद ये रास्ता थोड़ा पैरेलल चलता है, अप डाउन ऐसे रहता है, और उसके बाद पहुँचेंगे हम लोग पेंगोंग। पेंगोंग में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स मेरक। सो गाइस बने रहिए इस ब्यूटीफुल से सफ़र में जो कि हमारा पेंगोंग सो से होते हुए मेरक। तो गाइस यहाँ से जो अभी डिस्टेंस है चांगला की वो लगभग 23-24 किलोमीटर्स है, बट हम थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं क्योंकि आज ज़्यादा लंबा नहीं चलना है, लगभग 180-190 किलोमीटर्स। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:30, तो ठीक है कुछ ही देर में हम लोग होंगे चांगला टॉप पे। ये लंबा सा लूप लेके फिर हम जाएंगे ऊपर को, और देखिए गाइस ऊपर का मौसम कितना ख़राब है, आप देखिए फ्रेश स्नोफॉल भी पड़ रही है ऊपर। तो फिलहाल हम लोग तो निकले, देखिए गाइस सामने है बर्फ़, रास्ते कुछ ही ज़्यादा पतले हैं भाई लोगों को। तो गाइस ठंड का एहसास आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऊपर है देखिए एकदम काले बादल और सामने गिरी है फ्रेश स्नो, तो ठंडा हो ही रहा है हल्का फुल्का। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर पढ़ते जाएंगे ये ठंडक और ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो पास वहाँ कहीं पे है लगभग, इसका जो पहाड़ का उधर की तरफ को है, तो हाँ लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द होंगे हम लोग चांगला पास पे। तो वैसे ये रोड काफ़ी चौड़ी कर दी है इन्होंने, 2-3 साल पहले ये काफ़ी पतली रोड होती थी और ऐसे ही व्यू होता था, ऐसे ही चट्टाने होती थी बट रास्ते पतले होते थे, बट अभी इन्होंने रोड चौड़ी कर दी है, मज़ा काफ़ी आ रहा है। एंड फाइनली गाइस हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं चांगला पास, बस एक लूप लेना है वो, और वो रहा चांगला टॉप जहां हमारा तिरंगा लहरा रहा है। एंड फाइनली वो रहा गाइस आपके सामने चांगला पास और चांगला टॉप। फाइनली हम लोग हैं चांगला पास,
दैट इज़ जो थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ऑल वेदर मोटरेबल रोड। सो पीयूष, जैसे उमलिंगला के बाद फोर्थ हो गया। उमलिंगला के बाद, हाँ उमलिंगला के बाद अगर हम सोचें कहें तो ये फोर्थ हो गया है। एंड वो है चांगला बाबा का मंदिर। फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे हैं, पीयूष होके आ गया और निकलेंगे अब हम लोग आगे को टुवर्ड्स पेंगोंग, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम हो रहा ख़राब, ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। तो हम लोग निकलते हैं आगे को। विशालदा आओ, चलो चल रहे चलते हैं, हालत ख़राब है, लफ्ज़ देखो है ना। तो हम लोग निकलते हैं हम नीचे को एंड कोशिश करते हैं जल्द से जल्द पहुँचने की, क्योंकि काफ़ी ठंड है। और मौसम अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मौसम हो रहा ख़राब। तो मिलते हैं अब आगे को। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे ये वाली राइड। तो रास्ते काफ़ी सही हो गए हैं। पहले यहाँ पे एक लंबी सी वाटर क्रॉसिंग होती थी, इसे क्रॉस करना होता था, उसी में काफ़ी हालत ख़राब होती थी। बट आप देखेंगे इन्होंने ओवर ब्रिज बना दिए हैं, जिससे रास्ता काफ़ी सही हो गया है। बट ये जो रास्ता ख़राब है कुछ ही देर का है, फिर नीचे से टैरमैक रोड प्रॉपर शुरू हो जाती है। बट पतली रोड है तो थोड़ा सावधानी से चलाए तो ज़्यादा बेटर है। एंड फाइनली हम लोग हैं टैरमैक रोड में। अब तो अब ये रोड जो है ये प्रॉपर है टिल पेंगोंग तक, और बीच में थोड़े बहुत पैच ख़राब होंगे। अब अगर रोड बन रही होगी या कुछ चौड़ा कर रहे होंगे तो उसका मेरे को कन्फर्म नहीं, बट फिलहाल लास्ट टू लास्ट ईयर तक का ये रोड पूरी थी, तो आई थिंक अभी भी होगी। सामने का व्यू आप देखिए, वो देखिए यहाँ पर। जब 2016 में आए थे मैं, आसिफ, सुमेल और भरत भाई, तो हमने आर्चरी खेली थी। और आई थिंक अगर ये व्लॉग देख रहे हो आसिफ और सुमेल, तो तुम्हें याद होगा जो हमने आर्चरी में करा था। तो अब हमारे होंगे परमिट चेक, तो वहाँ लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो यहाँ पे हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं और अब हम बढ़ते हैं आगे को टूवर्ड्स पेंगोंग। ये है अब उससे आगे का एरिया, ये लगभग 2014 से ऐसा ही है जब हम फर्स्ट टाइम आए थे। आगे काफ़ी अच्छा एरिया आता है, नदी कह लीजिए या नदी के बगल बगल से ये रास्ता चलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है, बर्फ़ तो नहीं है अभी, बारिश है। और इससे पहले तेज़ पड़े हम लोग भागते हैं यहाँ से। तो गाइस मैंने सोचा था यहाँ पे अपना ड्रोन शॉट लूँगा सही सा मस्त सा, लेकिन आप देख सकते हैं मौसम का मिजाज फिर बिगड़ चुका है और ठंड भी वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब तो। तो गाइस बस कुछ ही देर में हम लोग होंगे पेंगोंग लेक। और अगर मैं बात करूं तो
जो बगल से आपको अगर लूप्स दिख रहे हैं वो रहे 1, 2, 3, 4। उसके बाद जब नीचे को जाएंगे देन वहाँ से पेंगोंग का एरिया थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तो वहाँ से हम लोग पेंगोंग में ना रुक करके हम लोग जाएंगे मिरक। और पहले हम लोग दिखाते हैं आपको पेंगोंग लेक का नज़ारे। तो यहाँ से पहला व्यू दिखता है पेंगोंग का, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो देखिए पहला नज़ारा पेंगोंग लेक का। एंड फाइनली गाइज, जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार था वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस अंदाज में। तो गाइस फाइनली हम लोग हैं पेंगोंग लेक में, पेंगोंग सो में। और गाइस लिटरली बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग फीलिंग है। मैं पिछले 2-3 साल से नहीं आया था इस जगह पे, ले तो मेरा अक्सर रहता है बट ये जगह पे मैं काफ़ी टाइम से नहीं आया था। बट धूप होती तो इसका अलग ही मज़ा था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन अभी हमारा सफ़र पूरा नहीं हुआ है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मिरक। मिरक लगभग 15 से 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर की राइड अभी और है जाना हमें। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो रोड है, अब यहाँ से ऊपर वाली रोड में जाना है हमें। पहले नीचे से नीचे जाते थे हम, बट अब ऊपर की रोड बन गई है। कुछ किलोमीटर तक ये रोड है बट उसके बाद फिर ये हमें कच्ची मिलेगी। सो वेल, चलते हैं अब आगे को। ओके गाइस, सो वक्त है यहाँ से अब आगे बढ़ने का टूवर्ड्स मिरक। तो अभी 20 किलोमीटर्स की जर्नी हमारी और है मिरक के लिए। अब हमें जाना है ऊपर की तरफ को। तो ये जो व्यू है ये लगभग अभी चलता रहेगा। अब जहाँ पे हम जा रहे हैं जिसका नाम है मिरक, वहाँ तक ये साइड बाय साइड अब आप देखते रहिएगा लेक कितनी बड़ी है। तो जो 3 इडियट्स का जो स्पॉट है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ शूटिंग हुई थी तो वो एरिया देखिएगा आपको, जहाँ पर वो लोग भी दिखेंगे बाइक वाइक, और वो वाला एरिया जो सबसे आगे है वो वाला एरिया है। ये व्यू देखिए, हम लोग मेन जो स्पॉट है वहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर आ गए हैं। सो ये व्यू देखिए गाइस। अगर आपको भी थोड़ा पीस पसंद है, मेन जो पेंगोंग लेक का स्पॉट है जहाँ पर आपको कैंप साइट मिलेगी, वहाँ से आप मिरक आ सकते हैं। उसी के बीच में आपको ये कैंप साइट और आपको होम स्टे टाइप का मिल जाएगा, जो कि आइसोलेटेड तो है ही लेकिन खूबसूरत भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भड़क का कम है। और जो व्यू है गाइस, आप वो व्यू देखिए, ये देखिए ऊपर, और क्या चाहिए आपको। सो गाइस, पहले जो रोड थी वो नीचे थी, और वाकई में बताऊँ तो अगर आप ब्यूटीफुल रोड कहें तो वो नीचे वाली रोड थी, बिल्कुल लेक के किनारे किनारे वो चलती थी, पेंगोंग लेक के ठीक किनारे। और टायरिंग था नो डाउट, बट मज़े भी उसी रूट पे आते थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं लेक के ठीक बगल बगल से चलना, व्यू को एंजॉय करना, वो था मज़ा। अब इन्होंने रोड डाल दी ऊपर से। सो गाइस, हम इस वाले रास्ते में जा करके इधर को जाएंगे, और मेरा कि यहाँ से है लगभग 1 किलोमीटर।
फिलहाल चल रहा है डिनर टाइम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डिनर जो हमारा चल रहा है, ये है दाल सब्जी रोटी एंड ये रहा चावल। तो गाइस हम लोग करते हैं अपना डिनर और आपको दिखाते हैं बाकी का वीडियो।